कल की आ रही है। पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने जो जितना पढ़ा हुआ है, जितने वीडियोस देखे, रिसर्च जितना किया है, उसके ऊपर से कुछ पेपर्स में भी न्यूज़ आई थी, उसके ऊपर से मैं ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर दूंगा। म्यूकर माइक्रोसिस क्या है? म्यूकर माइक्रोसिस एक ब्लैक फंगस बीमारी है जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में दिखाई दे रही है, जिनको डायबिटिक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये ज़्यादा करके दिखाई दे रही है। वो ब्लैक फंगस जो होता है, वो जनरली आपके नोज थ्रू एंटर करके आपके नाक में जो म्यूकस होता है वहाँ पे वो ग्रो करता है, जिसके वजह से यहाँ पे आँखों के यहाँ पे ब्लैक जो है कलर आ जाता है, और कभी कभी पूरी की पूरी आँख भी खराब हो सकती है, आँख ऑपरेट करके निकाली भी जा सकती है। तो ये एक खतरनाक बीमारी सामने आ रही है। पहले ये जो केसेस थे बहुत कम थे, लेकिन अभी जो है पोस्ट कोविड सिनेरियो देखे जा रहे हैं, ज़्यादा केसेस उसके दिख रहे हैं। उसके मेन रीजंस जो है, जो आर्टिकल्स में, पेपर में जो है, या जो जो डॉक्टर्स लोगों ने जो पॉइंट आउट किया है, वो ये है। सबसे मेन रीज़न इसका ये है, जो डायबिटिक पेशेंट्स उसमें ये देखे जा रहे हैं। दूसरा मेन रीज़न ये, जो ज़्यादा करके ऑक्सीजन सपोर्ट पे जितने लोग थे उनके अंदर ये देखे जा रहे हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं, वाटर थ्रू वो फिल्टर किया जाता है गैस को, तो वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर ही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की जगह पे कोई भी पानी इस्तेमाल किया होगा उसके वजह से, और अगर आपका जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट है वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होगा, तो उसके वजह से ये म्यूकर माइक्रोसिस जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। जितने लोग ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर डिपेंड हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब जिनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिला था, और स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो बॉडी की इम्यून पावर है वो डिक्रीज हो जाती है काफ़ी हद तक। और ये म्यूकर माइक्रोसिस जो है ये हमेशा पहले से ही एनवायरनमेंट में था, लेकिन जो लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उन्हीं पे ये इफेक्ट करता है। जनरली पोस्ट कोविड क्या होता है, ड्यू टू हैवी मेडिसिन और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अभी कोविड में जो मेडिसिन इस्तेमाल हो, जो स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे नेचुरल इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जब इम्यून स्टॉर्म, एक आप पकड़ के चलिए 7-8 दिन तक हमारी बॉडी ट्राई करती है फाइट करने का कोविड से, लेकिन उसके बाद में जो है वो एक इम्यून स्टॉर्म आ जाता है हमारे बॉडी में, कि हमारी बॉडी पूरे पोटेंशियल से रिटेलिएट करती है कोविड से फाइट करने के लिए। लेकिन वो जो स्टॉर्म होता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और हमारी बॉडी खुद हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू करती है, हमारी बॉडी खुद हमें डैमेज करना शुरू करती है, जिसको इम्यून स्टॉर्म कहते हैं। और ये कोविड में होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन बहुत ही ट्रिमेंडस लेवल पे ड्रॉप हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कि जो इम्यूनिटी जो है वो इम्यून स्टॉर्म ना आए। लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि इम्यूनिटी काफ़ी डैमेज हो जाती है, और ऐसे म्यूकर माइक्रोसिस जैसे जो छोटे छोटे फंगस होते हैं वो हमारे बॉडी में पनपने लगते हैं। तो और जैसे मैंने कहा, जो पानी जो होता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है O2 गैसेस में, अगर वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा तो म्यूकर माइक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सोचिए, पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अभी पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल्स भी ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती है। कई कई पे कई बार लोग क्या करते हैं, एक बार कोविड पोस्ट कोविड पीरियड ख़त्म हो गया, घूमने निकल पड़ते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस जो होता है, ये एनवायरनमेंट में, हवा में भी हो सकता है। ये ऐसी चीज़ है जो हवा में भी बाय मतलब अभी जो टाइम होता है, बेसिकली जब जो पॉलिनेशन होता है, या फिर जो जब पतझड़ होती है या फूल जब झड़ते हैं, उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में होते हैं, जिससे एलर्जी लोगों को तकलीफ होती है। सिमिलरली ये ब्लैक फंगस जो होता है ये भी हवा में हो सकता है, या जहाँ पे बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ घर होगा वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकता है। ज़्यादा करके देखा गया ब्रेड के ऊपर, जो आपने देखा होगा ब्रेड ज़्यादा दिन तक रखी हुई है, वो मॉइस्ट रहेगी तो उसके ऊपर वो फंगस ग्रो करता है। कभी कभी क्या होता है, मास्क जो होता है आपका बहुत दिनों से पड़ा होगा, आपने उसे वॉश नहीं किया होगा, तो उसके ऊपर भी मॉइस्चर की वजह से वो ग्रो कर सकता है। जो मास्क आप पहनेंगे तो वो वापस आपके बॉडी में जा सकता है। तो आपको पोस्ट कोविड जो है बहुत केयर लेनी ज़रूरी है। आपको आपके घर में 2-3 महीने तक तो आपकी इम्यूनिटी फुल पूरी स्ट्रांग नहीं होती है। आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे बहुत धूल मट्टी होगी, जहाँ पे फंगस होगा,
या घर में भी कुछ ऐसा चीज नहीं रखनी है, कचरा नहीं रखना है, जमा करना नहीं है, ब्रेड वेड हो या कुछ भी ऐसे जमा नहीं करना है जिसके ऊपर फंगस ग्रो कर सकता है, क्योंकि अगर आपके कांटेक्ट अगर ये फंगस के कांटेक्ट में आया तो ये बहुत ही लीथल हो जाता है, आदमी मतलब मर भी सकता है उसके वजह से। तो दोस्तों प्लीज़ टेक केयर, अगर आपके किसी पेशेंट को O2 की ज़रूरत होती है तो जो O2 सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है उसका प्लीज़ ध्यान रखें कि डिस्टिल्ड वाटर ही इस्तेमाल हो। डॉक्टर से कहिए, हॉस्पिटल से कहिए कि वहाँ पे कुछ अगर अवेलेबल, मतलब अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स तो नहीं, जो लैब जो अटेंडेंस होते हैं, जो वो केयर टेकर्स होते हैं, वो वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालते हैं, सादा पानी डाल देते हैं, जिसके कारण ये बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। तो दोस्तों प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धूल मट्टी में मत जाइए। जो डिस्पोजेबल मास्क होता है, जो सस्ता सा होता है, वो एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, उसको यूज़ करके फेंक दीजिए। आपका मास्क जो है रेगुलरली वॉश कीजिए, ज़्यादा दिन पड़ा हुआ मास्क इस्तेमाल नहीं करिए। तो दोस्तों बस टेक केयर, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोविड से बच भी जाए, कोविड से ठीक हो जाए, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये ब्लैक फंगस बीमारी आपको तुरंत अटैक कर सकती है। तो दोस्तों दिस वॉज फॉर इन्फॉर्मिंग यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स। घर में कचरा मत फैलने दीजिए, जितना हो सकता है उतना मॉइस्ट से दूर रखिए घर को। थोड़ा सा एनवायरनमेंट अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है, कई जगहों पे बारिश हो रही है, कई जगहों पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, ऐसे टाइम पे जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, एंड अपने आप का ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।